ग्लाइकोलिक एसिड, अगर आप लोग मेरे वीडियोस कंटिन्यूस देखते हैं या अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो अगर आप लोग ग्लाइकोलिक एसिड के नाम से सर्च करेंगे तो मेरे काफ़ी सारे वीडियोस निकल के आएंगे। उनमें कुछ वीडियो ग्लाइकोलिक एसिड्स के हैं, 30%, 50%, 70% जो कि केमिकल पीलिंग की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा कुछ हैं ग्लाइको 6%, ग्लाइको 12%, वो एक ऑयलमेंट है आपकी बॉडी के ऊपर, आपके फेस के ऊपर किस तरीके से काम करता है, ये मैंने सारी चीज़ें बताई हुई है। आज मैं ग्लाइकोलिक एसिड का एक अलग से परसेंटेज लेकर आई हूँ, साथ ही मैं ग्लाइकोलिक एसिड को एक अलग फॉर्म में लेकर आई हूँ। मैं आज किस फॉर्म में लेकर आई हूँ, मैं आज एक सीरम, एक लिक्विड, एक एक्सफोलिएटर फॉर्म में लेकर आई हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने और भी वीडियोज़ में बताया था कि 12% तक जो चलता है वो ग्लाइकोलिक एक एक्सफोलिएटर के रूप में चलता है, एक एक्सफोलिएटर जो कि बहुत स्मूथली आपकी स्किन को पील करता है, बहुत स्मूथ आपकी स्किन को, बहुत स्लो बहुत माइल्ड तरीके से आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, डेड सेल्स रिमूव करता है, आपकी स्किन पे ब्राइटनिंग का काम करता है। लेकिन एक जो 30%, 50%, 20% से जो स्टार्ट होता है, 20, 30, 50, इस तरीके से जो 70% तक बढ़ते जाते हैं, ये केमिकल पीलिंग के कैटेगरी में आते हैं। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो किसी ऑयलमेंट की नहीं कर रहे हैं, वो किसी केमिकल पीलिंग की नहीं कर रहे हैं, आज हम लोग बात कर रहे हैं 11% ग्लाइकोलिक एसिड की। 11% ग्लाइकोलिक एसिड, फर्स्ट तो ये क्या है, ये मिनिमलिस्ट का एक बॉडी एक्सफोलिएटर है, 11% ग्लाइकोलिक एसिड के नाम से, जो कि आपको अमेजोन हुआ या फिर purple.com हुआ या आपको कोई भी मिंत्रा हुआ या फिर nykaa.site हुई, ऐसी किसी भी साइट पे आपको ये अवेलेबल हो जाएगा अगर आप लोगों को ये चाहिए तो। तो हम बात करते हैं किस फॉर्म में, तो ये एक सिरम की तरह होता है, ये बहुत ज़्यादा वाटर फॉर्म में तो नहीं होता है, थोड़ा सा थिक होता है एक ऑयल की तरह। मैं इसका एप्लीकेशन बताऊंगी, लेकिन एप्लीकेशन बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आपकी स्किन में किस तरीके से काम करता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं नहीं हैं, ये आपको कोई नुकसान देने वाला है या फिर इसके बेनिफिट्स हैं आप लोगों को। तो अभी हम लोग जितने भी पीलिंग्स हम लोगों ने करे हैं, जितने भी और ऑयलमेंट्स हम लोगों ने यूज़ करे, उन सबको साइड करते हुए हम लोग पहले ग्लाइकोलिक एसिड की बात करते हैं। तो बहुत मैं शॉर्ट में आप लोगों को बताती हूँ ग्लाइकोलिक एसिड क्या है। ग्लाइकोलिक एसिड, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को अपने बहुत सारे वीडियोज़ में बताया, जो आप लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, सनस्क्रीन यूज़ करते हो, सीरम्स यूज़ करते हो, या मार्केट में भी बहुत सारी जो क्रीम्स यूज़ होती हैं, क्रीम्स में आजकल सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में लगभग ग्लाइकोलिक एसिड होता ही होता है। क्यों होता है, ये हमारी स्किन के जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें वाइटनिंग का काम करता है, हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, फ्लेवलेस बनाता है, स्मूथ बनाता है, हमारे टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, हमारे अनइवन टोन को इम्प्रूव करता है। तो ये सारे काम है ग्लाइकोलिक एसिड को, ये शुगर से मिलता है हमें, जो गन्ने का जूस हम लोग जो बोलते हैं, तो ये हमें एक शुगर से मिलता है ग्लाइकोलिक एसिड। अब बात करते हैं ये जो मिनिमलिस्ट का ग्लाइकोलिक एसिड है ये क्या है, ये एक बॉडी एक्सफोलिएटर होता है। किन किन प्रॉब्लम्स में यूज़ होता है, अगर आपकी स्किन में आपके बॉडी एक्सफोलिएटर होता है तो स्पेशली हम लोग इसको हैंड्स में यूज़ करेंगे, हम लोग इसको लेग्स में यूज़ करेंगे, हमारे फ्रंट एरिया में, हमारे टमी में या फिर हमारे बैक में हम इसको यूज़ करेंगे। आपकी स्किन की या बॉडी की किन किन प्रॉब्लम्स पे काम करता है, बहुत सारे लोगों में आप लोगों ने देखा होगा, स्पेशली आप लोगों का, मुझे पहले था अभी नहीं है, हमारे बैक में इधर छोटे छोटे एक्ने होते हैं, इधर ब्लैक कलर के एक्ने, बहुत बार वो रिमूव हो जाते हैं लेकिन उनके ब्लैक कलर के स्पॉट्स फिर भी हमारे बैक में रह जाते हैं। कईयों को इधर चेस्ट पे या फिर नेक पे इधर भी ये होता है, बहुत लोगों को वैक्सीन के बाद इस वाले एरिया में होता है, इस वाले एरिया में होता है, बहुत बार लोगों को लेग्स में हो जाता है, या हम लोगों को मच्छर वगैरह काट जाते हैं उसके ब्लैक कलर के स्पॉट्स जो लेटेस्ट में हुए हैं, बहुत ओल्ड हैं उनके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, उन पर बहुत स्लो काम करेगा। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, अगर आपकी स्किन पिगमेंटेशन हो रहा है आपकी स्किन के अंदर, या फिर आप लोग की स्किन के अंदर किसी तरीके का कोई सनबर्न हो चुका है, अगर आप लोग ओपन क्लोथ वगैरह पहनते हैं, धूप में ज़्यादा रहते हैं, उस वजह से अगर आपका सन टैन की वजह से अगर आपकी स्किन कहीं से अनइवन हो रहा है, कहीं से ज़्यादा, कहीं से बर्न, आपका जो स्लीपर पहनने वाला नीचे वाला जो एरिया होता है वहाँ पर अगर आप लोगों को लग रहा है कि हमें टैन हो रहा है, या फिर हमारे यहाँ तक स्लिप्स होता है, इसके बाद का एरिया हमारा ओपन होता है, अगर आपको लगता है इस वाले एरिया के अंदर आप लोगों को टैन हो रहा है, तो ऐसे किसी एरिया के अंदर ये बिल्कुल काम करता है एक्सफोलिएटर। अब बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या है, 11% क्या है, 11% है। तो अगर आप इसके एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स देखेंगे तो इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड है, ट्रैनामिक्स एसिड है, साथ ही इसके अंदर लैक्टिक एसिड है, और इसके अंदर जो है वो सैलिसिक एसिड भी है। इसका जो कलर है वो येलो कलर है। येलो कलर क्यों है, येलो कलर मुझे ऐसा लगता है, इसमें मेंशन नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर टर्मरिक रूट्स का एक्सट्रैक्ट है, तो आई थिंक टर्मरिक का येलो कलर होता है, तो मुझे लगता है कि आई थिंक इसकी वजह से इसका कलर
येलो है। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं टर्मरिक का, मैंने जैसे कि जिक्र किया तो टर्मरिक की बात करते हैं। आप सब लोगों को बताएं कि टर्मरिक आपकी स्किन के अंदर ब्राइटनिंग का काम करता है, आपकी स्किन को क्लियर करता है। इसके साथ ही ये एंटी जो इन्फेक्शंस वगैरह होता है ये उसके अंदर भी काम करता है, जैसे कि एक्ने वगैरह होते हैं या फिर कोई भी इन्फेक्शन वगैरह है फंगल वगैरह स्किन में, तो ये उसके ऊपर भी काम करता है। दूसरी चीज़ है इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड, ये आपकी स्किन के अंदर ब्राइटनिंग का काम करता है, ग्लोइंग का काम करता है, आपकी स्किन को फ्लेवलेस बनाता है, साथ ही आपके टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, स्मूथ करता है। लैक्टिक एसिड आपकी स्किन के अंदर एक एक्सफोलिएटर का काम तो करता है, साथ ही आपके डेड सेल्स भी रिमूव करता है। इसके अंदर ट्रैनेक्सामिक एसिड है, ट्रैनामिक्स एसिड के सिरम के ऊपर 3% के ऊपर मैंने ऑलरेडी अपना एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको फेस पे पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, हाइपर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, या आपके फेस पे ब्लैक ब्लैक कलर के चकते बनने लगे हैं, वाइट वाइट कलर के चकते बनने लगे हैं, तो आप लोग मेरा मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूँगी, आप लोग को वीडियो चेक करना। उसके बाद आपको ट्रैनेक्सामिक एसिड का अगर नॉलेज नहीं है तो आपको उसका नॉलेज भी हो जाएगा कि आपकी स्किन में पिगमेंटेशन पे किस तरीके से काम करता है। इसमें सैलिसिक एसिड है, 2% सैलिसिक एसिड आई थिंक मेरे हिसाब से सिरम्स वगैरह में भी होता है, तो इसमें आई थिंक 1% लास्ट 2% होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, इतना ही होगा लगभग। तो ये एक कॉम्बिनेशन है देखा जाए तो ग्लाइकोलिक एसिड का, ट्रैनेक्सामिक एसिड, लैक्टिक एसिड और सैलिसिक एसिड, इन सब का ये कॉम्बिनेशन है। तो जो सैलिसिक एसिड है वो आपकी ये जो एक्ने हैं बैक में है, नेक में है, या फिर उसके ब्लैक कलर के स्पोर्ट्स है, ये आपके डीपली पेनिट्रेट होकर आपके डेड सेल्स रिमूव करता है, उसको ऑयल बार निकालता है, साथ ही उसको डीपली क्लीन करता है। लैक्टिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड आपकी ऊपर की लेयर को एक्सफोलिएट करेगा। अब बात है कि हम इसको यूज़ करेंगे तो ये पीलिंग करेगा स्किन को। जब आप लोग 30% ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करोगे तो आपको लग रहा है एक दो दिन में वो पीलिंग करेगा, तो एक दो दिन में तो वो भी पीलिंग नहीं करेगा, बॉडी के लिए तो वो भी बहुत माइल्ड है, लेकिन आप उसको मंथ में एक ही बार कर सकते हो। 11% ग्लाइकोलिक एसिड को आप कब और कैसे यूज़ कर सकते हो? आप इसको डे में तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, आप इसको नाइट में यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसको डे में यूज़ करोगे तो आपको बाहर जाना होगा, और आप बाहर नहीं जा सकते उसको लगाकर, आपको इसको ओवरनाइट यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आप लोगों के साथ एप्लीकेशन शेयर करने जा रही हूँ इसका, तो उसमें आप लोग ये देखिए कि किस तरीके से आपको फर्स्ट लगाना है, आपको इसको नाइट में लगाना है और ओवरनाइट इसको रहने देना है। तो पहले मैं आप लोगों के साथ इसका एक एप्लीकेशन शेयर करती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ। ग्लाइकोलिक एसिड अप्लाई करने से पहले अपने पैर को अच्छे से किसी माइल्ड सोप से वॉश करके, या फिर जो भी आप लोग शावर जेल वगैरह यूज़ करते हैं उससे अच्छे से वॉश करके, और उसको सबसे पहले ड्राई करना है। आपके पैरों पे कोई भी मॉइस्चराइज़र या बॉडी लोशन नहीं लगा होना चाहिए। तो मैंने अपने पैरों को वॉश किया, और वॉश करने के बाद मैंने उसको अच्छे से ड्राई किया है टाउल की हेल्प से, और मैं पूरा जैसे हाफ़ लैग पे करने वाली हूँ तो मैंने पूरा ही वॉश किया था। मैंने ड्रॉपर की हेल्प से अपने पैरों पर ये पीलिंग का सॉल्यूशन जो है वो डाला है, और उसके बाद मैंने अपने पैरों पे बहुत अच्छे से हाथ से मसाज किए, कोई ब्रश वगैरह की हेल्प नहीं ली, और एक जगह पे डालकर मैंने उसको पूरे पैर पर स्प्रेड किया है। जैसे कि ये बहुत छोटी शीशी में आता है तो मैं यही बोलूँगी कि आप कोशिश करो कि आप उसको अच्छे से स्प्रेड करो तो पूरे पैरों पर लग जाएगा एक ड्रॉप पूरा। तो ये पूरा एक ड्रॉप भरकर मैंने अपने पैर के ऊपर डाला था, वो मेरे पूरे एक लेग के ऊपर लग गया था। इसी तरीके से मैंने उसको पूरे अपने नी पे, नेल्स पे या फिर फिंगर्स पे, सब पे बहुत अच्छे से लगाकर मैंने बहुत अच्छे से मसाज की है। सेम मैंने दूसरा ड्रॉपर अपने दूसरे लेग पे डाला, और उस पे भी मैंने पूरी तरीके से एक ही ड्रॉपर मेरा पूरा लगा, और उसमें मेरा पूरा पैर बहुत अच्छे से हो गया था। और ये डालने के बाद मैंने कम से कम पूरे 10 मिनट तक अपने पैरों पर बहुत अच्छे से इससे मसाज की है, और तब तक ये जब तक मुझे नहीं लगा कि हाँ ये मेरे अच्छे तरीके से पूरी स्किन के अंदर जाकर ऑब्जर्व हो चुका है, तब तक मैंने बहुत अच्छे से अपने लेग्स पे मसाज किए। अगर आपको पूरे लेग्स पे करना है तो आप पूरे लेग्स पे कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से हाफ शॉर्ट पहने नाइट के टाइम और फिर इसको यूज़ करें, ताकि वो जब आप पूरे कपड़े पहनेंगे तो आपके पूरे कपड़ों पर लगेगा फिर। तो इससे अच्छा है कि आप हाफ शॉर्ट्स पहनकर अच्छे से अपने पैरों पर लेग्स पे मसाज करें। अगर आप हैंड्स पे करना चाहते हैं तब भी आप कर्ट स्लिप वगैरह कुछ पहन सकते हैं, और इस तरीके से आप अपने पूरे लेग्स पे अच्छे तरीके से मसाज करें। अब मैं इसको ओवरनाइट रहने दूंगी। तो आप लोगों ने देखा कि इस तरीके से इसका एप्लीकेशन था, मैंने बहुत अच्छे से इसकी मसाज करी। आपको कम से कम 10 मिनट के लिए अपने हाथ और पैरों में इसकी मसाज करनी है, उसके बाद आप लोगों को लगेगा कि हाँ ये एकदम ऐसा फील कराएगा कि अब आपकी स्किन में सिर्फ थोड़ा सा मॉइस्चराइजर जैसा कुछ लगा हुआ है। ये तो नहीं कहूँगी थोड़ा सा चिपी चिपी नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत तो लगता है,
मुझे लगाए हुए काफ़ी देर हो गया अभी, लेकिन मुझे अभी तक लग रहा है, तो थोड़ा बहुत छिपी छिपी लगता ही है, लेकिन हाँ कोई आपको इरिटेट नहीं करने वाला। बर्निंग की बात करूँ, मुझे कोई बर्निंग नहीं हुआ, कोई ईचिंग नहीं हुई, कोई जलन नहीं हुई, जैसे कि हम लोग पीलिंग्स वगैरह यूज़ करते हैं, ग्लाइकोट्रॉल वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसमें हल्का सा हम लोगों को बर्निंग वगैरह फील होता है, मुझे इससे बर्निंग फील नहीं हुआ है। अगर आप लोगों ने बॉडी शेव वगैरह किया तो आप पूरे बॉडी शेव करने के 2 दिन बाद इसको यूज़ करें। अगर आप इंस्टेंट करेंगे तो रैशेज वगैरह आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, रेड कलर के दाने आप लोगों को आ सकते हैं, साथ ही जलन बर्निंग भी हो सकता है। तो प्लीज़ शेविंग करने के दौरान, वैक्सिंग करने के दौरान इसको यूज़ ना करें, पूरे 2 दिन का गैप देने के बाद ही आप इसको यूज़ करें, उससे पहले आपको यूज़ नहीं करना है। फर्स्ट वीक आप इसको एक वन टाइम यूज़ करके देखो, नाइट में यूज़ करो और ओवरनाइट रहने दो, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप इसको वॉश कर लो या फिर नहा लो। उसके बाद बॉडी लोशन लगाना है, साथ ही आप लोगों को सनस्क्रीन, और सिर्फ नेक्स्ट डे सनस्क्रीन नहीं लगाना, आपको कंटिन्यू सनस्क्रीन यूज़ करना। अगर आप ऐसा कुछ यूज़ कर रहे हैं तो चाहे आप ग्लाइकोट्रॉल यूज़ करें, चाहे आप केमिकल पीलिंग में ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करें, या फिर आप 11% मिनिमलिस्ट का ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करें, तब भी आप लोगों को सनस्क्रीन तो कंपलसरी है कि आप लोगों को यूज़ करना ही करना है। उसके बाद जब आपको लगे कोई इरिटेशन नहीं हो रहा, कोई बर्निंग नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप इसको वीक में 2 बार 3-3 दिन के गैप में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एटलीस्ट 1 बॉटल इसका जब तक ख़त्म करेंगे, 3 to 4 week, 4 to 6 week कम से कम किसी भी चीज़ के रिजल्ट्स देखने के लिए लगता है। आप लोग सोचे नाइट में लगाएंगे, मॉर्निंग में स्किन लेग्स बहुत इंप्रूव हो जाएंगे, वाइट हो जाएंगे, ब्राइटनिंग हो जाएगा, एक बार के एप्लीकेशन में कुछ भी नहीं होता है। वो तो आप फेस पे यूज़ करते हो, केमिकल पीलिंग यूज़ करते हो, तब भी आप लोगों को पता चलता होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है। और माइल्ड जो एक्सफोलिएटर होते हैं उनमें लगता है, और जैसा कि मैंने इसके बारे में आप लोगों को बता दिया, जितना मेरा नॉलेज था उतना मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, और भी इसमें काफ़ी सारे एसिड्स वगैरह ऐड हैं, लेकिन मैं इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन नहीं करना चाहूँगी। वो सारे ही, अगर हम लोग कोई मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करते हैं तो हम उसके मेन इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, उसके अंदर कितना क्या दिया हुआ, उससे मुझे कोई इतना मतलब नहीं, और मुझे इतना नॉलेज भी नहीं है, तो मैं छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताऊँ, और फिर मुझे उनका परसेंटेज भी मेंशन नहीं पता कि कितना परसेंटेज है, क्या है, कैसे है। ये मेन इंग्रेडिएंट्स है जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, और आप लोग यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल। इतना मुझे नहीं लगता ये कोई इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप लोग कोई प्रॉब्लम कर देगा या कोई नुकसान दे देगा। हाँ, अगर कहीं से जला हुआ है, कटा हुआ है, कोई फंगल वगैरह हो रहा है स्किन में, तो बिल्कुल उस जगह पे इसको यूज़ नहीं करना है। मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करती हूँ किसी इन्फेक्शन वाले एरिया में आप इसको यूज़ करें। और साथ ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप लोगों का इस वीडियो से रिलेटेड, किसी भी और वीडियो से रिलेटेड, ग्लाइकोलिक एसिड से रिलेटेड कोई भी अगर सवाल है या क्वेश्चंस है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, वरना मेरा इंस्टाग्राम आईडी NewRashi123 के नाम से आप लोग मुझे वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।